हेलो दोस्तों, हमारे चैनल VS ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में PAT और PVPT करने वाले सभी कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर आ गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही PAT यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और PVPT यानी वेटनरी टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं PAT और PVPT के प्रवेश परीक्षा संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब यहां पर बात करें PAT यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और PVPT यानी वेटनरी टेस्ट की, तो आपका ऑनलाइन फॉर्म है 13 मार्च से भराना शुरू हो गया है। इसमें आप 14 अप्रैल तक फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो 15 से लेकर 17 अप्रैल के बीच आप अपने फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। और यहाँ पर परीक्षा की डेट की बात करें तो 16/6/2024 यानी 16 जून यहाँ पर परीक्षा डेट बताया गया है। इस प्रकार से इस नोटिफिकेशन में आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च बार पर आकर आपको सचिव व्यापम लिख के सर्च कर देना होगा। इसके बाद व्यापम की साइट है, इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो नोटिफिकेशन आया हुआ है PAT और PVPT प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो दोस्तों, चलिए फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए इस पेज में आपको ऊपर आना होगा। ऊपर आएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और प्री वेटनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो PAT और PVPT से रिलेटेड यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही पूरे नियम को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा तो इस पेज में नीचे आना होगा और 7वें नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करने का पेज है, वह आ जाता है। अगर दोस्तों आप जो है व्यापम में पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा और आप आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर जो है आप व्यापम में पहली बार आ रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, साथ ही लास्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो जो भी आपका नाम सर्टिफिकेट में है उसी प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे। और नीचे गेट OTP लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाएगा। अब नीचे OTP डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आप अपना OTP डाल देंगे। OTP डाल लेने के बाद नीचे देखेंगे तो सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से नया पासवर्ड बना लेंगे और नीचे उस पासवर्ड को आपको कंफर्म कर लेना होगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बेसिक डिटेल है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा, इसके बाद रिश्तेदार का प्रकार में आप क्लिक करके फादर या हस्बैंड, जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी ऊपर में ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर रिश्तेदार के नाम में उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मदर्स नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम डाल देंगे। इसके बाद नीचे आपसे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी आपकी जेंडर होगी यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ के डे सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और ईयर को सिलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के निवासी, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब इसके बाद देखेंगे तो आपसे फैमिली ईयरली इनकम पूछा जा रहा है, आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है, यहाँ पर आपको लिख देना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो की साइज 20 से लेकर 100 KB के बीच होनी चाहिए। अब फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोटो को रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज कर लेने के बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से आपको जिस फाइल में फोटो रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर फोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटोग्राफ से इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाता है। सो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद नीचे आएंगे तो पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग हैं, अगर आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब नीचे आपसे अदर इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, सबसे पहले यहाँ पर नागरिकता पूछी जा रही है, तो अगर आप इंडियन होंगे तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना होगा।
नीचे आपसे कैटेगरी मांगी जाती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल एससी एसटी ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे यहाँ पर देखेंगे तो स्थानीय जिला निवासी पूछा जा रहा है, तो यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ से अपना जिला है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे देखेंगे तो वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है, तो अगर आपका विवाह हो गया होगा तो आप मैरिड पर क्लिक करेंगे, विवाह नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको अनमैरिड पर क्लिक करना होगा। अब नीचे आपसे ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे एड्रेस मांगा जाता है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो हाउस नंबर, स्ट्रीट यानी गली मोहल्ले का नाम, सिटी या विलेज का नाम यहाँ पर देंगे, यहाँ से राज्य सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से आपको जिला सेलेक्ट करना होगा, नीचे आपको यहाँ पर जो है पिन कोड डाल देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एड्रेस फिल होकर आ जाता है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर आपको चेक करेंगे। इस प्रकार जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल होके आ जाता है। अब दोस्तों इसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को आई एग्री लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक मार्क करेंगे, नीचे कैप्चा कोड है उसको फिल कर देंगे और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो गो टू यूजर लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज है दोबारा आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, नीचे जो भी आप पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका प्रोफाइल यहाँ पर लॉगिन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप अपने आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो लिंक यूअर आधार लिखा हुआ आ रहा है, तो आप अपने किसी भी सीएससी सेंटर या आसपास के कंप्यूटर सेंटर में जाकर जहाँ फिंगरप्रिंट डिवाइस होगा वहाँ से आप अपना जो है आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन करा लेंगे। अगर दोस्तों आप बाद में कराना चाहते हैं तो यहाँ पर बाद में भी आप फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। पहले नंबर पर देखेंगे तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, साथ ही यहाँ पर जो है वेटनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसके बगल में अप्लाई का ऑप्शन से यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसे आपको रीड आउट कर लेना है। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है कि आप जिस विषय समूह से परीक्षा देना चाहते हैं कृपया निम्न में से किसी एक का चुनाव करें, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बायोलॉजी ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको मैथ्स ग्रुप लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको एग्रीकल्चर ग्रुप लेना है तो देख सकते हैं एग्रीकल्चर पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि क्या आप जो है पशुपालन या मत्स्य पालन विज्ञान में डिप्लोमा यानी वेटनरी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मत्स्य पालन या पशुपालन के पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि पशुपालन मत्स्य विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 12वीं में यहाँ पर भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान समूह का होना आवश्यक है। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से पशुपालन या मत्स्य पालन से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो जो है 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और यहाँ पर बायोलॉजी ग्रुप से होंगे तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो अगर आप जो है बायोलॉजी ग्रुप से होंगे तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन से यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर प्रोफाइल का पूरा डिटेल है आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, यहाँ पर क्लिक करके आप जिस भी सिटी को एग्जाम सिटी लेना चाहते हैं यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर आपको किसी सहलेखक की आवश्यकता है तो यहाँ पर आपको सहलेखक की आवश्यकता के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ श्रेणी या क्लासेस पूछा जा रहा है, अगर दोस्तों हम थल सेना, नौसेना या भूतपूर्व जो है सैनिक हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन है, आई एग्री पर आपको चेक मार्क करना होगा और ये कैप्चा कोड है इसको आपको फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ गया है, इसे आपको पढ़ लेना होगा और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कन्फर्म एंड सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो सक्सेसफुल एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस प्रकार से एप्लीकेशन का डिटेल है आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो डाउनलोड के नीचे प्रिंट का ऑप्शन से यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। सो इसे प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर जो ऊपर आएंगे तो आपको थ्री लाइन दिखेगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो प्रिंट पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके इस पीडीएफ को इस प्रकार से देख सकते हैं और थ्री लाइन पर क्लिक करके सेव पीडीएफ पर क्लिक करके इसे आप अपने मोबाइल पर
पीडीएफ फॉर्मेट में आसानी से सेव कर सकते हैं और किसी भी नज़दीकी कंप्यूटर शॉप में जाकर इसे आप प्रिंट करा लेंगे। सो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं घर बैठे ही PAT PVPT का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।